बैक माई चैनल और आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आज खुश हूँ और तबीयत भी ठीक है, ऑलऑल ठीक है सब कुछ। अभी बीच में क्या है, थोड़ा सा तबीयत भी ऐसे चल रहा था, थोड़ा मेंटली भी थोड़ा सा ऐसे हो रही थी, तो वीडियोज हो सकता है थोड़ा सा ऐसा बन रहा हो। मैं उतना खुश होकर बना नहीं पा रही थी क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था और अभी अभी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और चेन्नई का मौसम अभी ठीक हो रहा है, लगता है बारिश आएगी बट कुछ पता नहीं है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती। तो अभी चलिए आज मैं बनाने वाली डोनट्स, काफ़ी टाइम हो गया यार डोनट्स कर करके, और मैं बनाऊंगी। मैंने रात को मूंग भिगो दिए थे और उसके बाद में अब उन्हीं को थोड़ा फ्राई करके दूंगी बच्चों को। तो आज है यार डे का भी पता नहीं चलता क्या है, मैं फ़ोन में चेक करके फिर देखती हूँ कि आज क्या है, तो मैं बाद में बताऊँगी आज क्या है। और चलिए पहले किचन में चलते हैं, नहीं तो लेट गएंगे बहुत ज़्यादा। और अभी आप इसको देख सकते हो, इसके अंदर और कुछ भी रखा था, ये मेरा बेटा पता नहीं क्या क्या करके सामान निकाल देता है पूरा, और पूरा हकीकत बताऊँ पूरा फैला देता है घर। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि मैं बार बार उठाती हूँ तो मुझे थकान सी होने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो चलिए पहले एक काम कर लेती हूँ मैं, और आज सुबह सुबह पता है दूध भी निकल गया थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड को नहीं पता था, नहीं तो मेरे डांट लगा था बहुत बुरी तरह। तो वो तो चले गए ऑफिस और थोड़ा सा गैस गंदा हो गया था तो मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था। एक्चुअली क्या है, मैं उनसे बातें करने लगी मॉर्निंग के टाइम, जब चाय पी रहे थे उस टाइम पर, यहाँ पर दूध चढ़ रहा था तो पता नहीं चला, दूध यार गैस की फ्लेम है वो मैंने लो की थी पता नहीं कैसे निकल गया। तो दूध आज कम है तो काम ऐसे चलाना पड़ेगा। तो चलिए पहले काम कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ डोनट्स के लिए आटा। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी, ये जो मैंने ले रखी है वाइट कलर की, यहाँ पे मैंने लिया मैदा और इससे ये ही कटोरी के नाप से है, मैंने आधा कप चीनी ली है उसको पीस लिया है, उसके बाद में यहाँ पे डाल लिया। और इसके बाद में मैं इसके अंदर डालूँगी बेकिंग पाउडर एक और थोड़ा सा डेढ़ चम्मच, और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम डालूँगी मैं बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे दोनों डाल लिए, उसके बाद में मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा दो चम्मच ऑयल, और इन सबको मिक्स करके और एक डो लगा लूँगी। और नहीं दही भी तो डालना है, दही तो डालना बताना ही भूल गई। तो इसके अंदर मैंने जो आटा लगाया, इसके अंदर पानी मैंने यूज़ नहीं किया, इसके अंदर मैंने डाला है दही, और इसका एक आटे का जैसा मतलब बिल्कुल टाइट भी नहीं तो बिल्कुल लूज भी नहीं ऐसा आटा लगा के, और मैं इसको एक डेढ़ घंटे के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे आके मेरा बेटा वेट कर रहा है कि मामा कब बनाओगी डोनट। तो जाहिर सी बात है डोनट का आटा लगाते तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, तभी तो वो फूलेंगे, नहीं तो फूलेंगे ही नहीं अगर मैं थोड़ा सा भी इसको रख दूँगी तो। और अभी साइड में दूसरी बिल्डिंग से आ रही है मशीन की थोड़ी सी आवाज़, तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़ अभी। और यहाँ पर आटा लगा के रख दूँगी, उसके बाद में मैं बनाऊँगी हमारे लिए अभी नाश्ते में बनाऊँगी जो मूंग मैंने भिगोए हैं उनको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके, थोड़ा सा नमक लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और ये सब डाल के तो हल्का सा पका लूँगी। दो मिनट के लिए मैं उसको वो कर लूँगी, उसके बाद में मैं और मेरा छोटा वाला बेटा तो ये खा लेगा। तो यहाँ पे आटा मैंने लगा के रख दिया है और इसको ऐसे ढक के रख दिया ताकि इसमें हवा ना लगे बाहर की, और यहाँ पे थोड़ा बहुत आटा वगैरह फैल गया था उसको भी मैं साथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी गंदी कह सकते हो कि यहाँ पे चींटियाँ आने लग जाती है, इस वजह से फिर मुझे क्लीन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो गया।
यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए राइस इडली। तो बच्चों को आपको पता है यहाँ पे साउथ में यार पता है हम चपाती वगैरह खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, इसलिए अगर आप मेरे वीडियोस में ज़्यादातर देखोगे तो मैं राइस बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे राइस क्या है डाइजेस्ट हो जाते हैं, चपाती का मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे भी डाइजेस्ट नहीं होता, मेरे हस्बैंड को भी नहीं, और बच्चे तो फिर यार आपको पता है जो इच्छा होती है वही खाते हैं। तो एक तरफ मैंने इडली चढ़ा दी है, बच्चों को इडली खानी है, वो काफ़ी टाइम से जो राइस वाली इडली होती है वो खाने के लिए बोल रहे थे, तो कल मैं मार्केट गई थी तब मैं बैटर लेके आई थी इडली का, और अभी स्प्राउट वैसे मूंग बनाए हैं स्प्राउट हुए हैं तो मैंने आधे रख दिए अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको स्प्राउट वाले खाने में बहुत पसंद है इसलिए। तो अभी ये हो रहा है और जिन देर तक जो मैंने आटा लगा के रखा है डोनट्स का वो भी हो जाएगा, इसके अलावा मैं बनाऊंगी सब्जी, बच्चे ऐसे खाएंगे या फिर सॉस के साथ खाएंगे वो उनकी इच्छा है, ताकि मेरे हस्बैंड के लिए मेरे लिए मैं खाना बनाऊंगी अभी, बट अब वो तो आएंगे लेट ऑफिस से तो तब तक पहले हम ये खा लेते हैं, तो मैं आपसे फिर आके मिलती हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम है अभी, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, कल से रिचार्ज ही ख़त्म हो गया था, फिर उसके बाद रिचार्ज करवाया और फिर हो गया है, तो चलिए पहले इसके हम स्टेज कर देते हैं और चलते हैं खाने के लिए। किचन में गर्मी भी लगने लग जाती है, लगता तो है मौसम ठीक है बट मौसम कुछ भी ठीक नहीं है। तो अभी लेट करके गई है, साफ तौर तो साफ है, एक घंटे बाद मेरे घर वापस वैसे के वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं एक तरफ तो सब्जी और दूसरी तरफ बनाऊँगी फ्राइड इडली। तो यहाँ पे तेल कढ़ाई में तेल डाल दिया है, उसके बाद में डाल दिया प्याज और यहाँ पे हरी मिर्च और टमाटर भी कट करके रखे हैं, और मैं बनाऊँगी आज सब्जी उसकी जो मोटी मोटी सेव आती है ना उसकी सब्जी भी बनती है, आप चाहे तो ऐसे खा लो चाहे तो आप सब्जी बना लो, तो मैं ज़्यादातर सब्जी ही बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ और है नहीं, वही सब्जियाँ घूम फिर के वही वही आती रहती है तो मूड ख़राब हो जाता है, तो कभी ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ। यहाँ पे फ्राइड इडली के लिए मैंने डाला है हल्दी नमक और जीरा, और नहीं जीरा नहीं डाला, राई डाली है, और उसके अलावा जो इडली थी मैंने उनको कट कर लिया है, और यहाँ पे बस बच्चों को मैं ऐसे डालने वाली हूँ, और मैंने यहाँ पे डाला है नूडल्स मसाला, तो बच्चों को ऐसे बहुत पसंद है, चाहे तो वो सॉस के साथ खा लेंगे चाहे सब्जी के साथ खा लेंगे, उनकी इच्छा है जिसके साथ खाना चाहेंगे वो। और यहाँ पे सब्जी भी मैं बना रही हूँ और यहाँ पे बस उसी की सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड तो आएंगे लेट अभी, और यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए जो भी है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, और ये सब डाल के और मैं ये काम कर लेती हूँ फटाफट, और उसके बाद मुझे बनाने हैं डोनट्स भी। देख सकते हो आप इसको, एक घंटे से ज़्यादा हो गया इसको, तो ये ऐसे हो गया, अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ बस, उसके बाद में इसको बनाती हूँ। और यहाँ डोनट्स के लिए मैंने ली है एक छोटी कढ़ाई, क्योंकि यही कढ़ाई मेरी बहुत ज़्यादा यूज़ आती है, जैसे पूरी बनाना होता है कुछ भी फ्राई करना होता है तो यही काली हो जाती है, इसको साफ़ करवा लेती हूँ मेट से, और बट साइडों में से थोड़ा सा हो जाता है काला, साफ़ कर देती है बट, और
उसके अलावा अब तेल तो गर्म हो रहा है, दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ गिलास से, मेरे पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने ढक्कन लिया है, तो स्टार्टिंग में क्या है मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दी, मैंने ले लिया थोड़ा सा बड़ा ढक्कन, लेकिन फिर मुझे पता चला, मैंने सोचा इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जब पता चला कि बीच में ज़्यादा होल हो गया है, तो यहाँ पे आटा लगा रही हूँ, उसमें बहुत सारी डोनट्स बन गए थे बहुत सारे। तो दूसरी बार में मैंने क्या किया, छोटा ढक्कन लिया उससे, और तब बन गए थे डोनट्स आराम से, और डोनट्स फुल भी गए थे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं कैसे ना कैसे जुगाड़ू करके मैं डोनट बना रही हूँ। बहुत टाइम से मैं कर रही थी कि चॉकलेट कंपाउंड मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, कुछ भी नहीं मिल रहा मार्केट में, मतलब यहाँ का आसपास का मार्केट पता नहीं क्या है। मैं एक दिन व्हिप क्रीम लेने गई, व्हिप क्रीम भी नहीं मिल रही, और व्हिप क्रीम पाउडर आता है वो लेने गई, वो भी नहीं मिला। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें सोच के जाती हूँ, पता है यहाँ पे बेकिंग पाउडर भी नहीं मिल रहा था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या जगह है ऐसी कि बेकिंग पाउडर भी नहीं मिल रहा जल्दी से, कहीं पे भी जाओ। अब फिर मैं एक बार क्या सुपरमार्केट जाके, तो सुपरमार्केट में से मैं लेके आई थी बेकिंग पाउडर। यार बेकिंग पाउडर केक में तो बहुत ज़्यादा यूज़ आता है और डोनट में भी डलता है, तो फिर मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कब लेना है। तो यहाँ पे साथ में सब्जी बन गई है, उसको ढक के रख दिया है, और डोनट्स मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो दूसरे टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा होल ज़्यादा हो गया, तो सेकंड टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम पे ऑब्जर्व कर लिया था कि हाँ ठीक है, ये बीच में ज़्यादा होल हो गया है। उसके बाद में फिर मैंने जब किया ना, तो अभी सारे सही है। अब मेरे बच्चे बार बार आते हैं, मम्मा कब बनाऊँगी, जल्दी से बना दो। तो हमारे रेडी है यहाँ पे डोनट्स, मैंने इतने सारे डोनट्स बनाए हैं इतने आटे में, और उसके अलावा है मेरे पास वाइट चॉकलेट नहीं थी, तो मैंने मिल्क पाउडर से ये बनाया है। थोड़ा सा अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने बनाया है डेरी मिल्क से ये, तो डेरी मिल्क चॉकलेट लेकर थी, उसके ऊपर मैं गार्निश के लिए ये डेकोरेट इससे करूँगी जेम से, मैंने इनको फोड़ लिया है थोड़ा थोड़ा करके। और ये है पोमीग्रेनेट फ्लेवर मेरे पास चॉकलेट है ये, तो इनको भी मैंने थोड़ा थोड़ा कुक किया है मतलब ऐसा। तो अभी देखते हैं ये बनते हैं। एक बार मैं ये थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ये जो बीच वाला ढक्कन था वो मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया, फिर उसके बाद मैंने छोटा लिया। तो तो हमारे यहाँ पे रेडी है डोनट्स, जो भी है मैंने बना दिया जैसे भी करके जुगाड़ू करके, और बच्चों को खाने में भी बहुत टेस्टी लगा, और मुझे भी जैसे मार्केट का डोनट्स होता है बिल्कुल वैसा ही बना, मतलब बनने में देख लो, लेकिन हो सकता है थोड़ा छोटा बनाओ, मार्केट में बड़े बड़े मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पे छोटे शेप के बनाए हैं और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपसे फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।